अगर कोई भी न्यूक्लियो फाइल अटैक करेगा, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, कोई भी न्यूक्लियो फाइल अटैक करेगा सर, और वो कार्बन की पॉजिटिविटी से आकर्षित होगा सर, जो भी डेल्टा पॉजिटिविटी होती है कार्बन में, क्यों? क्योंकि एक्स के साथ जुड़ा होता है वो, उस वो डेल्टा नेगेटिव होता है। तो ये कार्बन ना सर, अगर बल्कि नहीं है, मतलब ये जो इसके सब्स्टिट्यूशंस हैं ये बहुत हल्के हल्के हैं, तो सर बैक साइड अटैक आराम से हो जाएगा। हेलो हेलो, ये और सर इस मैकेनिज्म को हमने SN2 कहा था। तो सर दूसरी पॉसिबिलिटी की आवश्यकता ही क्या है बेटा? मान लो अगर यहाँ पे बल्की ग्रुप्स लगे हैं, बल्की ग्रुप मतलब सच्चाई ये है, एक्सपेरिमेंटल सच्चाई ये है कि अगर कार्बन की डिग्री, अल्काइल हैलाइड की डिग्री, मतलब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, वो अगर बेटा दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, वो अल्काइल ग्रुप जैसे भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसकी डिग्री 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री तो बहुत दूर की बात हो गई, 2 डिग्री भी बच्चों कभी भी बैक साइड अटैक नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भिड़ जाता है अल्काइल ग्रुप से, भिड़ जाता है तो बैक साइड अटैक नहीं कर पाता। अब सर बैक साइड अटैक नहीं कर पाएगा तो क्या रिएक्शन ही नहीं होगा? नहीं बेटा, हो जाएगा। अरे कैसे होगा सर, बैक साइड अटैक तो हो नहीं पाएगा। उसके लिए कॉमन सेंस नेचर में एक्सप्लॉइट किया गया, एक्सप्लोर किया गया, और वो निकल के आया कि वो SN1 है। होता क्या है कि मान लो बेटा मेरे पास कोई ऐसा अल्काइल हैलाइड है, जो मैं स्टार्टिंग में एक्सट्रीम केस से करता हूँ, 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड करेगा क्या? ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन इस एक्स को देने में तकलीफ़ ही नहीं होगी, ये एक्स को दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म ऑफ एक्स माइनस, और स्वयं स्वरूप बना लेगा बेटा एक कार्बोकैटायन का। और शायद आपको पता भी होगा ये कार्बोकैटायन की डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 3 डिग्री, क्योंकि कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ये एक प्लेनर ज्योमेट्री होगी, और प्लेनर ज्योमेट्री बच्चों हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे। हेलो, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकैटायन बन जाएगा। क्या सर ये कार्बोकैटायन पहले क्यों नहीं बन सकता था? अरे यार, अगर कोई लीस्ट हिंडर्ड है तो उसकी डिग्री कमज़ोर होगी, और कार्बोकैटायन वो आसानी से बन जाता है जो स्टेबल होता है। लेकिन फिर भी जब भी कार्बोकैटायन बनता है ना बच्चों, फिर भी वो प्रोसेस को हमेशा एक्सपेरिमेंटल जानकारी ये कहती है कि पूरे रिएक्शन में वो स्टेप जब कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, इट इज़ द स्लोएस्ट स्टेप एंड हेंस द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि जो क्लास में मान लो अभी 15 बच्चे पढ़ रहे हैं, 15 बच्चे, वो बच्चा जो सबसे स्लो होगा, क्लास उसी के हिसाब से चलती है। तो कभी भी एक प्रोसेस भी जो स्टेप सबसे स्लो होता है, प्रोसेस का रेट वही स्टेप डिटरमाइन कर सकता है, क्योंकि बाकी सब तो फटाफट काम कर लेंगे, जो स्लोएस्ट स्टेप है उसको उतना टाइम तो लगना ही है, तुम लोग फटाफट कर भी लो तो क्या फर्क पड़ता है। हेलो, तो ये बात समझ में आती है। अब सर अब बैक साइड अटैक कैसे हो जाएगा बेटा? जो पहले ये टेट्राहेड्रल था, ये कार्बन अगर टेट्राहेड्रल है तो इसके बल्की ग्रुप घुसने देंगे, क्योंकि ये इस तरफ ट्राइंगल मुंह बना के खड़ा है। बट अगर ये कार्बोकैटायन एक प्लेनर स्पीशी है, तो बेटा ये तो एक दफ्ती की तरह है, एक कॉपी की तरह है, मिट गया, सॉरी, मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन था बीच का, ये तो अब सर ये जो बल्की ग्रुप है तो एक प्लेन में आ गए। हेलो हेलो, बोलना पड़ेगा। तो अब तो अटैक सर उधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, किसी भी तरफ से हो सकता है, क्योंकि ये तो अब प्लेनर, एक प्लेन में आया हुआ ट्राइंगुलर स्पीशी हो गई। ये जो बल्की ग्रुप मुंह निकाल के खड़े थे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में, अब ये एक प्लेन में आ जाएंगे, तो इसका लेफ्ट और इसके राइट से अटैक करना संभव है। हेलो, बोलना पड़ेगा। ओ ठीक है, तो अगर मिथाइल है तो SN2 होने की रिएक्टिविटी 30 गुना की है, अगर 1 डिग्री भी हो गया तो वो 1 गुना हो गई, 2 डिग्री रहा तो 0.02, और 3 डिग्री रहा तो 0 डिग्री। इनसे आपको मैं प्रैक्टिकल सच्चाई बता दूं, दिख भी रही है आपको, केवल मिथाइल 1 डिग्री और मिथाइल के केस में ही SN2 होता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस में SN2 होता ही नहीं है। तो क्या होता है? SN1। SN1 की फ़ोटो देख लीजिए बेटा, लेकिन इसने तो एकदम बेसिक तरीके से बनाया हुआ है। नहीं बेटा, SN1 की सुंदर फ़ोटो इसने तो नहीं बनाई, NCERT ने, जो मैंने आपको समझाया था वही मोस्ट पॉसिबल छोटी फोटो होती। बात समझ में आ रही है सबको? हेलो सबको, चलो बेटा तो एक काम करता हूँ मैं, ये क्या है, दिस इज इंग्लिश लिखेंगे, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, इसके नीचे लिखना है, और फिर स्टेप 2 पे आते हैं। इतना लिखो तो, हाँ बोलो।
शांति से मेरी बात सुन लो, मैं फिर से प्लेनर दिखा रहा हूँ उसको, मुझे ये बताओ इस तरफ से अगर अटैक होगा बच्चों तो वापस इसका ओरिएंटेशन वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि हमने इन जनरल अभी अल्काइलाइट कैसे बनाया था मुझे याद करके बताइए। हमने सर अल्काइलाइट बनाया था कि हेलोजन इधर था, एक बॉन्ड यहाँ और दो ग्रुप्स इधर, हेलो। तो अगर बेटा न्यूक्लियोफाइल भी यहीं से अटैक कर गया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो इधर से भी कर सकता है पीछे से भी कर सकता है, अगर न्यूक्लियोफाइल सेम साइड से अटैक कर गया तो जैसा ओरिएंटेशन थी वैसी ही हो जाएगी बेटा, जैसी थी वैसी हो जाने को इंग्लिश में कहते हैं रिटेंशन हो जाना। और वही अगर उल्टा, यानी कि अभी अभी तो बैक साइड मार सकता है क्योंकि बल्कि ग्रुप जो यहाँ पे मुंह निकाले खड़े थे वो एक प्लेन में आ गए, यहाँ से अब कार्बन फ्री अटैक के लिए, तो इधर से यानी कि फिर से बैक साइड अटैक हुआ। हालांकि बैक साइड इसलिए नहीं कह रहा मैं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अब लीविंग ग्रुप तो लीव कर चुका है, अब तो अटैक यहाँ से भी हो सकता है यहाँ भी। अच्छा तुम बताओ मेरे को, इधर से होने की पॉसिबिलिटी सर 1/2, इधर से होने की पॉसिबिलिटी सर 1/2, मतलब प्रोबेबिलिटी दोनों जगह 50-50% है। अगर इधर से अटैक हुआ तो हो जाएगा जो भी ओरिएंटेशन था उसका इन्वर्जन, और इधर से अटैक हुआ तो हो जाएगा रिटेंशन। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आप बच्चों यहाँ पे ये मत लिखना अभी इन्वर्जन, जरूरत नहीं अभी। अभी आप फिर से ये फोटो बनाइए और बस सिर्फ लिखिए प्लस एन यू माइनस, हो सकता है इधर से आए हो सकता है इधर से आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। पहले आप लोग ऐसे बनाओ, और ये स्टेप फर्स्ट स्टेप के रिलेटिवली जल्दी हो जाता है इसलिए लिखा भी है फास्ट, ये एक्सपेरिमेंटल जानकारी है। न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, और मैंने यहाँ पे जान के बेटा इसको वेज डैश नहीं दिखाया, क्यों कि न्यूक्लियोफाइल कैसे भी लग सकता है, तो मैंने ओरिएंटेशन में फिक्स हुआ ही नहीं हूँ, मैं बस डंडी खींच के कह दिया न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और बन गया प्रोडक्ट। इतना समझ में आता है? समझ में आता है तो छाप, मैं आपके लिए पूरी फोटो कर दे रहा हूँ। अगर बेटा न्यूक्लियोफाइल, अब ऐसी फ़ोटो आप फिर भी बना सकते हो, इधर से आता है तो होगा इन्वर्जन, और सामने से आता है तो होगा बच्चों रिटेंशन। अब आप फोटो सुंदरता से बनाना, और फिर यहाँ पे बी सी डी भी पैरेलली लिख सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगा कंसेंट्रेशन ऑफ आरएक्स, क्यों, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पहला था और उसमें रिएक्टेंट कौन था, केवल आरएक्स। न्यूक्लियोफाइल को फर्क नहीं पड़ा तुम हो या नहीं हो, क्योंकि तुम अटैक तो कर नहीं पाओगे जब तक कार्बोकैटायन बनेगा नहीं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है केवल अल्काइल हैलाइड की पावर वन। अब पावर वन है इसलिए ऑर्डर वन होगा, एक्सपेरिमेंटली पता है। मॉलिक्युलैरिटी एक होगा क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि स्टेप वन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे, एक। ये लिख लो बेटा बी सी डी लिखो तो, हाँ बोलो। पॉइंट क्रमांक अगला लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे इफ रिएक्टेंट इज ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, जब कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन मतलब एक ऐसा कार्बन जिससे चार बॉन्ड अलग अलग हों, तो अगर ऐसा है कॉमा करके लिखेगा, द प्रोडक्ट इज 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन। मतलब सर अगर सर रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो हुआ तो 50% प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो होगा, 50% प्रोडक्ट लीव होगा। मतलब आधे लोग ऐसे होंगे जो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आधे होंगे जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अल्टीमेटली लाइट का प्लेन घूमेगा ही नहीं। तो ऐसा मिक्सचर क्या कहलाता है बच्चों, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। और क्या रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं सर, इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट एक्टिव है लेकिन ओवरऑल दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो रिएक्टेंट अगर ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, पर क्यों होगा, मीसो फॉर्म है कि रेसिमिंग मिक्सचर है? सर रेसिमिंग मिक्सचर है। हेलो हेलो, छापो छापो तो, हाँ बोलो। नोट वन की हेडिंग है हमारी कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2। लेफ्ट साइड में लिखो SN2, राइट साइड में लिखो SN1। सबसे पहले पॉइंट में लिखना, पहले सुन लो फिर लिखना स्टेप्स। हमको पता है सर SN2 सिंगल स्टेप था, SN1 में दो स्टेप थे। रेट ऑफ रिएक्शन सर इसमें RX की पावर वन, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन RX पे भी डिपेंड कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल में भी ये केवल कंसंट्रेशन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ऑर्डर यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है। मॉलिकुलरिटी यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है। इफ रिएक्टेंट इज ऑप्टिकली एक्टिव देन प्रोडक्ट इज, यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्टेड, क्योंकि डेक्स्ट्रो है तो लीवो, लीवो है तो डेक्स्ट्रो, कॉमा ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वॉल्डन इन्वर्जन, और यहाँ पे लिखेंगे रेसिमिंग मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव। रिएक्टिविटी क्या होगी बच्चों, रिएक्टिविटी है नेक्स्ट एंट्री। यहाँ पे हमें पता है सर बैक्साइड अटैक कब हो पाएगा, जब एकदम हल्का होगा अल्काइलाइड, मतलब सबसे अच्छा मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, सबसे कम 3 डिग्री। सर SN1 कब होगा, जब कार्बोकैटायन बन पाए, कब बन पाएगा सर, सबसे अच्छा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम मिथाइल, हेलो। और लास्ट में लिखेंगे बच्चों सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अब सुन लो, सॉल्वेंट क्या कह रहा हूँ मैं बेटा, आप बताइए SN1 और SN2 इसमें कौन ऐसा था जहाँ पे कैटायन और एनायन बन रहे हैं।
सर SN1 में ना फर्स्ट स्टेप जो कि एक्चुअली रेट डिटरमाइनिंग भी है, उसमें कार्बोकैटायन और लीविंग ग्रुप एक्स माइनस बन रहा है पहले ही स्टेप में, और वही रेट डिटरमाइनिंग है। बेटा आपको क्या लगता है आयंस कौन से सॉल्वेंट में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे बनने में, पोलर की नॉन पोलर? पोलर। यानी कि बेटा SN1 अगर आपको कराना है तुमको सॉल्वेंट पानी रखना चाहिए, तो इसलिए लिखा है पोलर सॉल्वेंट। और यहाँ पे SN2 अगर कराना है तो नॉन और लेस पोलर सॉल्वेंट। हेलो हेलो, ये फॉरवर्ड बेवकूफ़ी है, ये कुछ ली चैटले वाली बात लिख रहा होगा बच्चा, ये मैं नहीं लिखूँ। बात समझ में आती है सबको? बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये एंट्रियाँ होंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सातों बातों को लिखो लिखो तो हाँ बोलो।